नमस्कार दोस्तों, इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कन्फ्लिक्ट दिन पर दिन एस्केलेट हो रहा है। इसी के बीच में आपने एक वीडियो देखी होगी कि गाजा स्ट्रिप से काफ़ी रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ, और उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर रहा है इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ आयरन डोम के साथ। 2006 की इसराइल लेबनान वॉर में हिजबुल्ला ने फायर किए थे थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट इसराइल के ऊपर। हिजबुल्ला एक लेबनी शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है। इस वॉर के बाद इसराइल ने अनाउंस किया कि इसराइल की स्टेट रन कंपनी रफेल एडवांस सिस्टम डेवलप करेगी एक डिफेंस सिस्टम जो प्रोटेक्ट करेगा इसराइल सिटीज और इसराइल पीपल को। तो इसी के अंदर आयरन डोम डेवलप किया जाता है रफेल एडवांस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा, और उसके बाद आयरन डोम को डिप्लॉय किया जाता है 2011 में। देखिए, इसराइल यूएस और रशिया के साथ एक तरह का लीडर है एयर डिफेंस सिस्टम में, और इसराइल काफी क्लोज काम करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में अमेरिकन के साथ। अब हम जानेंगे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में डिटेल में। देखिए, आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें रडार और तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जो ट्रैक और न्यूट्रलाइज करती है किसी भी रॉकेट को जो इसराइल की तरफ आ रहा होता है। देखिए, आयरन डोम को हम यूज कर सकते हैं किसी भी इनकमिंग रॉकेट, मोटार, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखिए, अब हम जानेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखिए, आयरन डोम के तीन मेन सिस्टम हैं जो साथ काम करते हैं और शील्ड प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। फर्स्ट जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार सिस्टम। ये सिस्टम स्पॉट करता है किसी भी इनकमिंग टारगेट को। दूसरा है अ बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम BMC भी बोलते हैं। टारगेट को स्पॉट करने से लेकर इंटरसेप्ट करने तक सारा का सारा मैनेजमेंट BMC का होता है। थर्ड जो सिस्टम है उसको हम मिसाइल फायरिंग यूनिट बोलते हैं। हर एक मिसाइल में एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है जो लेजर कंट्रोल्ड होता है। जब ये मिसाइल टारगेट के 10 मीटर के रेंज में आती है, ये फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है और मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देती है। देखिए, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को हम हर वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डे एंड नाइट। देखिए, जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर बैटरी, ये कॉस्ट करती है नियरली $50 मिलियन, और हर एक तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल की जो कॉस्ट है वो नियरली $80,000 है। ये सिस्टम डिस्पैच करता है दो तमीर मिसाइल को एक रॉकेट के लिए, मींस एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए सिस्टम दो मिसाइल को डिस्पैच करता है। देखिए, जो इनकमिंग रॉकेट्स आ रहे हैं इसराइल की तरफ उसकी कॉस्ट नियरली $1,000 के करीब होगी, बट एक तमीर मिसाइल की जो कॉस्ट है वो $80,000 है, और ये सिस्टम डिस्पैच करता है दो तमीर मिसाइल एक रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोस्तों, ये था सब कुछ आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद।